हेलो दोस्तों, आज हम 0.25 स्टेबलाइजर का जो है असेंबलिंग दिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान लगता है उसका एक एक मैं डिटेल यहाँ आपके सामने कर देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 0.25 केवीए है, यानी 250 वाट के लिए है। इसमें ये 8 लूप निकला हुआ है जो रोटरी स्विच पर जाएगा, और ये कॉमन है, और एक इसके अंदर 12 वोल्ट के लिए मैंने निकाला है ऑटो कट के लिए। ठीक है, इसमें हमने ये ऑटो कट के लिए किट यूज़ किया है, क्योंकि ये स्ट्रिप आता है, इसमें से मुझे एक पीस यूज करना है। और इसके अंदर हमें किस जगह किस तार को कनेक्ट करना है, ये जो किट है इसे आप मार्केट में 0.25 के लिए रिले ऑटो कट किट डिमांड करेंगे तो ये आपको अवेलेबल है। इसमें जो भी कनेक्शन है उसके लिए है, यहाँ इंडिकेट है, यहाँ ये जो RL है ये रेड लाइट के लिए इंडिकेट करेगा, ये GL है ये ग्रीन लाइट के लिए है, यानी जब लाइन ऑन रहेगा तो ग्रीन लाइट जलता रहेगा। ये रोटरी से जो आउटपुट है वो तार यहाँ आएगा, और 12 वोल्ट जो हमने अभी ट्रांसफार्मर में दिखाया था वो 12 वोल्ट रिले के कंट्रोल के लिए सप्लाई आएगा, और ये आउटपुट सॉकेट को जाएगा फेज, और यहाँ न्यूट्रल आएगा। ये इंडिकेशन आपको इस किट के अंदर बना हुआ है, जिससे कि आप आसानी से सोल्डरिंग करके वायर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया है। ये वोल्ट मीटर इस कैबिनेट के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि इसमें कौन सा वोल्ट मीटर यूज़ करना है। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर लिया है, ऐसे इसका जो माप है वो 2.5 इंच के हिसाब से आप लेंगे, और ये राउंड है तो आप ये डिमांड करेंगे आसानी से मिल जाएगा। ये हमने वायर लिया है मेन सप्लाई कोड, जो स्टेबलाइजर में सप्लाई लेना है इसके लिए हमने ये वायर की इस वायर को इस्तेमाल किया है। इसे आप डिमांड करेंगे 2 पिन कोड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन करने के लिए ये DPDT स्विच यूज़ किया है। ये स्विच हमने 5 एम्पियर का यूज़ किया है, और इसका जो कनेक्शन है वो मैं अभी करूँगा असेंबलिंग में, और इसे आप 5 एम्पियर DPDT स्विच से डिमांड करेंगे, आपको इजी वे में मिल जाएगा। ये हमने रोटरी स्विच यूज़ किया है, ये भी 5 एम्पियर है रोटरी स्विच, इसमें ये 8 पोल का है, इस पर जो कनेक्शन है वो मैं अभी करूँगा, और इसमें इंडिकेशन भी है आपको 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के लिए, यहाँ इंडिकेशन बना हुआ है हर पिन के नीचे। ये हमने सॉकेट और स्विच यूज़ किया है, ये हमने फ्यूज बेस यूज किया है, फ्यूज बेस इसके अंदर ये हमने अब 3-5 एम्पियर तक का फ्यूज यूज कर सकते हैं, 3 एम्पियर 2-5 एम्पियर, और ये हमने कैबिनेट एक यूज़ किया है। ये रेडीमेड कैबिनेट मार्केट में अवेलेबल है, ये आसानी से मिलता है, जिसमें ये सॉकेट स्विच लगाने की भी व्यवस्था है, और ये ऑटो कट के लिए मैंने ये, और मेल लाइन के लिए ये 2 LED यूज़ किया है।
ग्रीन और रेड, ठीक है। और ये एलईडी के लिए मैंने ये ग्रोमेट यूज़ किया है। यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ पर एक नंबर पिन यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, चूँकि ये ब्लैक है नहीं पता चल रहा है, एक ये है और इसी तरह ये आगे दो है, तीन है और ये वाला जो है आठ है। इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। इसे आप देखेंगे ध्यान से, ये ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप है और ये लास्ट लूप है, यानी ये आठवां नंबर तार है। तो इस आठ नंबर को हम रोटरी के एक नंबर पे लाएंगे कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ ये हमने डीपीडीटी पे वायर ले जाना है जहाँ से इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई चाहिए। तो इसे हम इसके साथ ट्विस्ट कर देते हैं और ट्विस्ट करने के बाद इस आठ नंबर वायर को इस एक नंबर पिन पर मुझे ज्वाइंट करना है, ठीक है। इस तरह से फिर ये हमारा सातवां है और ये दो नंबर पे जाएगा रोटरी के दो नंबर पिन पे, इसका ट्रांसफार्मर का सातवां लूप जाएगा, यही ध्यान रखना है। और इस तरह ये जो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट वायर है ये रोटरी के आठ नंबर पे आ जाता है। इस तरह से आप पहले सोल्डरिंग कर लें और एक इसके और इस तरह से एक जो है ये कॉमन पे जाएगा रोटरी पे, जो ये बीच में है यहाँ, इसके ऊपर सोल्डरिंग आएगा एक। और इस तरह से ये लगभग आप कैबिनेट के हिसाब से इस तार की लंबाई काट लें और ये मुश्किल से चार से साढ़े चार इंच की लंबाई की तार का टुकड़ा मैंने ये काट लिया और इस तरह से ये ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट हो गया। ये आसानी से असेंबल करने में आपको बहुत सुविधा होगी। और इस तरह से हमने इस पॉइंट को यहाँ शॉर्ट कर दिया और इस पॉइंट को यहाँ, और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से शॉर्ट करना है ये क्रॉस करके। इस तरह से एक क्रॉस हमें करना है और ये डीपीडीटी का कनेक्शन हो गया। और इस तरह से हमने एवी वायर यहाँ से कनेक्ट करके निकाल लिया है। यहाँ हमने रेड लाइट के लिए ये ब्लू कलर का वायर यूज़ किया है, ग्रीन के लिए ग्रीन यूज़ किया है और ये रोटरी से जो आउटपुट हमें लेना है डीपीडीटी से वो यहाँ आर ओ पर आएगा। और ये 12 वोल्ट के लिए हमने ये गैप छोड़ा हुआ है, इस पर हम ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करेंगे। और इस तरह से हमने इस वायर का इस सर्किट के हिसाब से और ये वायरिंग के हिसाब से कटिंग कर लिया। ये थोड़ा हो जाता है काम करने में। सबसे पहले मैं इसमें जो है इसके लेग को लगाऊंगा। इस तरह से सबसे पहले हमने ये चारों लेग लगा दिया। अब इसमें हम इस ट्रांसफार्मर को फिट करते हैं। फिट करने के पहले ये, चूँकि इसमें ये एडजस्ट करने के लिए बना हुआ है जिससे कि हम रोटरी को यहाँ पर कस सकते हैं, ये हमने हटा दिया चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं ये रोटरी को इसके अंदर सेट करूँगा।
तरह से लगा दिए। अब इस वायर को थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लें। इस तरह से सबसे पहले हमने इस ट्रांसफार्मर के साथ रोटरी स्विच को कनेक्ट करके इसके अंदर कस दिया है। अब हमें सेकंड ये जो DPDT स्विच है इसे लगाना है। गोरमेट लगा दिया है। ठीक है, इस LED के ये आप ध्यान दें, यहाँ एक छोटा वाला है और एक लेग थोड़ा बड़ा है, तो दोनों छोटे लेग को हम आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, जिस पर कि हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे। और इस तरह से कट के लिए रेड वाला LED हम यूज करते हैं और ऑनलाइन के लिए हम ग्रीन LED यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने ये ग्रीन और ये रेड LED यूज़ कर लिया। इसका जो एक लेग है उसे हमने काट कर थोड़ा छोटा कर दिया और ये गोरमेट मैं इसमें यहाँ लगाऊंगा। और ये जो होल है दूसरा, ये फ्यूज़ के लिए है। ये हमने फ्यूज़ होल्डर मुझे यहाँ सेट करना है। ये फ्यूज़ जो है हमने इसमें ये जो सॉकेट है ये सब सॉकेट में यहाँ लगाऊंगा पहले। अब इस वायर को एक ब्लेड से बहुत अच्छे ढंग से आप इसे निकाल सकते हैं, जिसमें तार भी डैमेज नहीं होगा। और इस वायर को मैं यहाँ से अंदर डाल दिया और इसे वहाँ पे एक बार बांध दीजिए और इस स्विच के अंदर। मैं जो ये बतला रहा हूँ आप बहुत आसानी से और इजी में बना सकते हैं, इससे आपको असेंबलिंग में समय भी कम लगेगा। मैंने यहाँ से तार को बाहर कर लिया। ये बहुत आसान हो गया। इस वायर को हमें यहाँ फ्यूज बेस पे ले आना है। ठीक है, ये जो वायर हमने रोटरी से लिया है इसमें एक वायर जो है कॉमन है, कॉमन वाला हमने कनेक्ट इस पे किया है और दूसरा जो आठ नंबर पिन से जो आ रहा है वो हमने यहाँ ज्वाइंट किया है।
इस वोल्ट मीटर को मैं आप लगाऊंगा यहाँ। इस किट को भी सेट करना है, इसके लिए हमने ये एक इंच के हाइट, एक इंच का स्क्रू भी यूज़ किया है। ये हमने यूज़ इसलिए किया है कि ये जो सर्किट का जो प्रिंट है ये बॉडी के साथ नहीं आए। इस किट डालने के पहले ये जो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ दिख रहा है, ये 12 वोल्ट इस पॉइंट पर मैं इस 12 वोल्ट के लिए इस वायर को यूज करूँगा। ये चूँकि ध्यान देना है ये सिंगल है और यहाँ ये डबल है, तो ये कॉमन के लिए होगा और ये 12 वोल्ट के लिए होगा। तो 12 वोल्ट के वायर को हम इस पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ऑलरेडी न्यूट्रल इस पॉइंट पे है, इसके साथ मुझे यहाँ ये भी मैं ज्वाइंट कर दूंगा। इस तरह से ये जो दो वायर है इसको हमने यहाँ सोल्डिंग कर दिया है, एक न्यूट्रल के लिए और एक ये 12 वोल्ट ऑपरेटिंग के लिए, ऑटो कट ऑपरेटिंग के लिए। इस तरह से ये, और ये जो इनपुट है ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, और ये आउटपुट है, इस पर मैं चूंकि डायरेक्ट सोल्डरिंग कर रहा हूँ इसलिए कि ये स्क्रू कसने से हर बार लूज हो जाता है, लेकिन सोल्डरिंग कर देने से ये प्रॉब्लम, लूज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस तरह से ये आउटपुट के लिए हमने कर दिया। इस पॉइंट पे आएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस पॉइंट पे आएगा ये डायरेक्ट इनपुट सप्लाई। ठीक है, हम इसे चूंकि ड्रेसिंग के साथ करना चाह रहे हैं तो, और ये वायर जो है हमने यहाँ तक के लिए ले लिया है, कटिंग कर दिया है, इसे मैं इस वायर के साथ ड्रेसिंग कर रहा हूँ। ये जो इनपुट सप्लाई है वो इस पिन पे जा रहा है, ये रेड और ब्लैक हमने वोल्ट मीटर के लिए निकाला है, इसे मैं वोल्ट मीटर के ऊपर जोड़ दूंगा। ये जो ग्रीन है ये हमें ग्रीन एलईडी में जोड़ना है, और ये ब्लू रेड एलईडी पे जोड़ना है। ये जो येलो है ये हमारा यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा उसी आउटपुट को हम इस पे जोड़ेंगे। इसमें फर्स्ट में जो है इनपुट जो सप्लाई हम ले रहे हैं वो है, और ये आउटपुट जो यहाँ से हम ट्रांसफार्मर से ले रहे हैं वो है। और ये इसके बीच में हम न्यूट्रल से ज्वाइंट करेंगे। हमने न्यूट्रल यहाँ ले लिया, और ये
असेंबल हो चुका है। ये सप्लाई दूंगा, लेकिन सप्लाई देने के पहले थोड़ा सा आप बॉडी के साथ इसे टेस्ट कर लें। ये ठीक है, अब आप सप्लाई दें। ये मैंने सप्लाई दिया, ये देखिए। अभी से मुझे बढ़ाना है चूँकि इनपुट 180 है। ये 240 वोल्ट पे आ गया, 250 ऑटो कट नहीं हो पा रहा है, तो ऑटो कट को एडजस्ट करने के लिए इस प्रीसेट से आप एडजस्ट करें। ये प्रीसेट, इसे आप थोड़ा सा बैक करें, बैक करें। देखिए ये कट हो गया। अगर मुझे 220 वोल्ट से के आसपास का कट चाहिए तो थोड़ा सा और एडजस्ट करना होगा। इसको थोड़ा सा और बैक कीजिए, देखिए फिर कट हो गया। अब ये कट एडजस्ट हो चुका है। जैसे ये क्रॉस करेगा 215-20 के आसपास ये कट कर जाएगा, फिर बैक करेंगे ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का जो डाटा है और वाइंडिंग करने का तरीका है वो वीडियो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ। इसका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है, अच्छा लगा, तो इस पर कॉमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और आगे फिर इसी तरह से मैं वीडियो डालते रहूँगा। कवर कर देते हैं।